लेकिन इन सब में सबसे महंगा श्री राधे है। अरे श्री लगन यहाँ भी खुला है ना, चलो यहाँ दिखा दे रहे हैं, चलो जुकू 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 चले जी। आज मटर कहाँ है? मटर दे, मटर रखी घर से उबाल के लाए थे फ्राई करके गाड़ी में, खाएंगे पता नहीं हो सकता। जी मटर खाओगे? हाँ मेरी भी फ्रिज में रखी, हमने भी बनाई थी परसों, फ्राई करके लाए, ठंडी है, गरम गरम है, दे दो थोड़ी खा लेंगे। निकालो निकालो, हेलो करो, आज मेरे घर बड़े लोग आए। हमें ब्रेकरी आना है पूरा वीडियो बनाने, एक बार चट्टे भी जाना है। चट्टे में वो जो गोबर पड़ा होगा जैसे सिवा जी चाचा के चट्टे में, ये लोग आ गए थे अचानक से और खाना। हाँ जी वाला बन्नो, हाय हाय हाय, ये छिंदी, अरे भाई गजब, फिर से करो, हाय कर दो, तू कर दो, बस हाय कर दो, अति आप करो, ये भी तू करो, हाय हाँ जो 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 सुना तू करो, बस पूछो कैसे हो, हाय अच्छा कह दो आओ, अबे मैं जाने क्या हूँ, हाय देख 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 उठिया, हाय अच्छा प्यारी कर लो, प्यारी प्यारी कर लो, दीदी दीदी को पा कर दो, दीदी माफ कर, दीदी को प्यार कर दो, पा बंद कर लिया तो कह रहा खोलो फिर से, सही में आओ 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 काऊ को बुलाओ, कह दो काऊ आ, काऊ को बुलाओ काऊ आ, अब इसके बाल बढ़िया हो गए। अच्छा ये बताओ डॉगी कैसे करता है बंसर, ये बता दो डॉगी कैसे करता, कैसे करता है डॉगी, और काउ कैसे करती, काउ कैसे करती, अभी इसको वो डॉगी करता है, काउ कैसे करती है, अच्छा कैट कैसे करती है बंसर, कैट नहीं बंसर कैट कैसे करती है, वो तो डॉगी करता है, मैं कैसे करती है, कैट कैट कैसे करती है बोलो, नहीं क्या कह रहे हो डुक्कू, डुक्कू को मोबाइल में बड़े मजे आ रहे वीडियो बनवाने में, जैसे कैमरा ऑफ करो तुरंत कहता है ऑन करो ऑन करो, क्या कह रहे हो, क्या है क्या दे, ऐसा कर दो, ताता है ताता, हाय कर दो, हाय अच्छा खासा वीडियो शूट करने जा रहे थे, कैमरा लगा दिया था ट्राइपॉड, कह दो कैसे हो बंसर, कह दो कैसे हो, गूगल तो फूट आता हो गई है, टाटा भी मम्मी की दीदी कौन सा सूट है वो निकाल देना, हाँ रखा है, मैं जा रहा हूँ उन्हा लेने, अभी दीदी लिफ्ट में है, अभी दीदी उन्हा लेने जा रही है, उन्हा उड़ना उड़ना उन्हा उड़ना उन्हा उन्हा कपड़ा उड़ना कपड़ा, चलो ये तो हाय करके रह गया है। हे फैमिली, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी, तो आज देखिए मायके से आए हुए हैं छोटा वाला भाई और दीक्षा, बच्चे दोनों आए हैं, तो बच्चों की मस्ती तो आप लोगों ने देख ही ली है कि कैमरे को ऑन कर दो और बच्चों ने इतनी मस्ती की कुछ कहने को नहीं। अच्छा सडनली ना आज गोपाल आ गया था तो उसने मुझे पहले नहीं बताया था मायके से निकलते समय, उसने सीधे आके कॉल किया जब घर के बिल्कुल पास आ गया मेरी गली में, तब कॉल किया कि दीदी क्या कर रही हो, और मैं खाना बनाने जा रही थी, लंच बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा कि बस लंच की तैयारी हो गई, लंच बनाने जा रहे हैं, तो बोला कि साथ में चलो मार्केट, तो अब मेरा काम तो हुआ नहीं था घर का, लेकिन अब ये था कि चलो अब जरूरी काम था, तो इस तरह से ये लोग आए और मुझे घर से उठा के ले गए कि चलो साथ में,
तो मैंने कहा चलो थोड़ा बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम निकल जाता है ना तो अच्छा लगता है। और ये देखिए ये हमारे कानपुर में लाल इमली है ना, तो ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और जैसा उन लोगों ने बनवाया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जियो कहती हूँ तो ये यहाँ का बहुत ही फेमस प्लेस है, लाल इमली अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, आप लोग भी देख लीजिए एक बार। ये है लाल इमली, ये विंडो दिख रही है ना इतनी सारी आपको, और ये रेड कलर की जो वॉल है तो यही है लाल इमली। और इसके बाद में हम लोग ना शॉपिंग वगैरह करने गए थे तो वहां पे प्रॉपर वीडियो नहीं कोई शूट किया क्योंकि ना हर शॉप वाला अलाउ नहीं करता है। तो जहां से मुझे साड़ी वगैरह लेनी थी तो वहां पर तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं था। एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े शोरूम है ना तो बहुत रेयर होता है जो अलाउ कर दे, बाकी कोई अलाउ नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो, और मैंने ना कैमरा निकाला भी नहीं था सही बताऊं आपको, क्योंकि मुझे पता था वो लोग अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों की ना फिक्स शॉप है, जब भी जाते हैं तो हमेशा उन्हीं शॉप से सामान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए वापसी के लिए निकले थे तो ये वीडियो कई दिन की है, मतलब जिस दिन गणेश विसर्जन हो रहा था ना आखिरी दिन का, ये उसी दिन की क्लिप है। और मैं इधर थोड़ा सा बिजी भी चल रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये देखिए गणेश विसर्जन हो रहा है, धूमधाम से बप्पा को घर लेके आए और धूमधाम से बप्पा की विदाई कर रहे हैं। तो रास्ता ना पूरी रोड, संडे का दिन था लेकिन इतना जाम था क्योंकि हर जगह हर गली में हर रोड में सब जगह सिर्फ विसर्जन हो रहा था क्योंकि आखिरी दिन था बप्पा का। तो देखिए कितनी विशाल विशाल मूर्ति है बप्पा की। और बस अब मैं भी बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बप्पा अगले बरस आप मेरे घर भी आइएगा, क्योंकि जब भगवान की मर्जी होगी जब वो घर आएंगे हमारे तभी आप आएंगे। और मैं कितना भी सोच लूं कि इस साल करूंगी उस साल करूंगी पर नहीं, भगवान को जब मेरे घर आना होगा जब उनकी मर्जी होगी तो वो अपने ही आप आ जाएंगे। तो बस मेरी भी इस बार यही इच्छा है कि प्रभु अगले बरस आप मेरे भी घर आइएगा। ये देखिए डुक्कू यहाँ पर कैसे सोने की तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी जूस पीने। एक्चुअली हमारे कानपुर में ना एक जो जूस की शॉप है ना उसके यहाँ आप कोई सा भी जूस लीजिए, ऑरेंज का मौसमी का कोई सा भी जूस लीजिए, आपको कभी भी खट्टा नहीं मिलेगा। ये इसके यहाँ की खासियत है, होता है ना हर एक शॉप की खासियत होती है अपनी अपनी, तो ये इसकी शॉप की खासियत है कि आप यहाँ पर कभी भी जूस पीजिए किसी भी सीजन में आपको कभी भी खट्टा नहीं मिलेगा। और रियली ये पता है बहुत ज्यादा मीठा था, मुझे बहुत पसंद आया और बिल्कुल फ्रेश जूस देता है आंखों के सामने निकाल के, कोई भी मिलावट नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन होती है परख फलों को पहचानने की, परख होती है लोगों को तो दुकान वालों को। तो ये देखिए यहाँ पर डुकू सतानी कर रहा है कि मुझे खुद से पीना है। और बस इसके बाद में ज्यादा वीडियो नहीं शूट किया हुआ था क्योंकि बच्चे थे छोटे छोटे तो इन लोगों को भी देखना होता है और मार्केट में बाबर निकलो उतरो, तो फिर मैंने कहा चलो कैमरा नहीं ले रहे हैं ऑन कर रहे हैं, जितना वीडियो शूट किया है उतना ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ना अभी कोशिश कर रही हूँ कि एक ब्लॉग में दिन में और एक वीडियो रेसिपी मेरी शाम में जिस टाइम पे शेड्यूल पे आती है उसी शेड्यूल पे, बस थोड़ा सा ना मेहनत बहुत हो जाती है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोगों को पसंद